मेरी बात सुनेगा? सच में? कसम से? अच्छा। तुम यहाँ क्यों आई? क्या हुआ जी? मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। मुझे चाय वाय कुछ नहीं चाहिए, दरवाजा बंद कर जा। ये सब क्या है? जब भी मैं दरवाजा खोलकर आती हूँ, आप बच्चे को कुछ तो सिखाते रहते हैं, मेरे आते ही आप गुस्सा हो जाते हैं। मेरे काम में टांग मत अड़ा, तू सिर्फ घर के काम पर ध्यान दे, समझ गई? जी, लगता है आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत है क्या? तू औरत है, औरत बन कर रहे, जाओ। चल बेटा, स्कूल चलते हैं। मम्मी, डैडी। जानकी, अरे एक और शील्ड अपने घर है। दिखा दिखा दिखा। अरे एक, एक, वाओ। कुंग फू फाउंडेशन ट्रस्ट, ब्यूटीफुल बेटा। एक, वाओ। इसे पकड़ो 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 पकड़ो। अब क्या हुआ पापा? एक मिनट बेटा, ये दो, ये पकड़ो पकड़ो। अरे वाह 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 वाह, ये शॉल से तुम्हें सम्मानित किया जाता है। ओह क्या बात है, हार तो पहनाइए। और इस हार से भी तुम्हें सम्मानित किया जाता है। ये भी लीजिए। और ये पत्र भी तुम्हें, और ये मूर्ति भी तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये कम ऑन। अरे हाँ। जिहाद, इस भारत देश को हमारी कोई इज्जत नहीं है। आपने हमें फोन करके अपने बेटे को जिहाद में शामिल करना चाहा, हमें बहुत खुशी हुई। इससे जुड़ी सारी बातें आपको जल्द से जल्द मैसेज या मेल के जरिए भेज रहे हैं। अपने बेटे को कल दरगाह में लेकर आइए। जिहाद। मतलब मेरे बेटे को जिहाद में शामिल करेंगे? इतने दिन मेरे पति मेरे बेटे को यही सब सिखा रहे थे क्या? और मेरा बेटा इसके लिए मान गया? या अल्लाह, हमारे साथ जी रहे सभी इंसानों की मेरा बेटा जिहाद में शामिल होकर उनकी जान लेगा? मेरा बेटा सुसाइड बॉम्ब बनेगा क्या? या अल्लाह, मेरे शोहर को ऐसी गंदी सोच क्यों दी आपने? मुमताज, आ रही हूँ। क्या कर रही थी? प्यास लगी थी, पानी पीने गई थी। अच्छा अच्छा, मेरे लिए भी एक गिलास पानी ले आओ। अल्लाह अकबर। सलीम भाई, रहीम को फोन करो। 10 मिनट में आ रहा है भाई। मुमताज। हाँ जी। इधर आओ बेटा, अम्मी की दुआ लो। दुआ में याद रखो अम्मी जान। मेरे बेटे को आप कहाँ भेज रहे हैं? कश्मीर में एक बहुत अच्छा स्कूल है, इसे वहाँ भेज रहा हूँ मैं। पढ़ने के लिए इतनी दूर भेजना जरूरी है क्या? ये जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो भी अच्छा स्कूल ही है। वो स्कूल इससे भी अच्छा है, यहाँ रहेगा तो मवाली लड़कों के साथ बिगड़ जाएगा। वहाँ पढ़ाई से ज्यादा तमीज सिखाते हैं, इसीलिए वहाँ भेज रहा हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह रहम करे। अल्हम्दुलिल्लाह। चल बेटा। हमारे कुरान में जो लिखा है हमें उसका पालन करना चाहिए, हमें अपने मजहब को बचाना चाहिए। हम यहाँ पैदा होकर कितनी तकलीफें झेल रहे हैं,
इस दुनिया पर जीत हासिल करके हम राज करेंगे। बेटा तुम्हें अपने मजहब के लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ेगी, समझे बेटा? अब्बा जान, अपने मजहब की खातिर मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। जिहाद! देखिए, आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप बेटे को कहाँ भेज रहे हैं? मैंने तुम्हें पहले बताया था ना, इसे अच्छी तमीज के लिए अच्छे स्कूल भेज रहा हूँ। आप मेरे बच्चे को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं, जिहाद में। रोज अपने बेटे से अकेले में बात करना, और फोन पर अकेले में सबसे क्या बात करते थे, मैं सब जानती हूँ। अच्छा है, मैं उस दिन ही आपको रोकती, लेकिन ये सब लोग पकड़े नहीं जाते। आप सब रंगे हाथ पकड़े जाएं इसलिए खामोश रही। ए पगली, अपना बेटा अल्लाह की खिदमत करने जा रहा है, अपने मजहब के खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर रहा हूँ। मजहब के नाम पर मासूम लोगों की जान लेना कुर्बानी नहीं है, कत्ल है। मैं अपने बेटे को जिहाद में नहीं भेजूंगी। ये चाया से। अल्लाह! ये जो मजहब का नशा है वो ड्रग्स से भी ज्यादा नशीला होता है। इस उम्र में इस बच्चे के हाथ में किताबें होनी चाहिए, ना कि बंदूक। अपने बच्चे को कुर्बान करने चले हो तुम? अरे कैसे बाप हो, इस पवित्र भारत में पैदा होकर अपनी मातृभूमि से गद्दारी करोगे? इस देश ने हमें क्या दिया है, भला बुरा कहकर हमें रौंदा जा रहा है। हम अभी भी आजाद नहीं हुए हैं। हम अपने मजहब के लिए, अपने अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे। जिहाद। जिहाद का मतलब पता है क्या आपको? अल जिहाफी सबीलिल्लाह, सर्व द पर्पस ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। अल्लाह के रास्ते पर चलना जिहाद कोई हिंसात्मक परिकल्पना नहीं है। जिहाद दूसरों के धर्म के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं करता। जिहाद मासूमों की जान नहीं लेता। गैर मजहबियों को मारना जिहाद नहीं है। There's nothing like holy war. Wars are only killing and disastrous. जिहाद मतलब अपने अंदर बसे शैतान को मारना होता है। तुम्हारी पत्नी भी मुस्लिम है ना? उसने भी तो कुरान पढ़ी है ना? लेकिन उसने जो समझा वो तुम्हारी समझ में कभी नहीं आया। क्या कहा तुमने? तुम लोगों को यहाँ कभी आजादी नहीं मिली? हमारे संविधान में हर किसी के धर्म के अनुसार हर विषय में हर धर्म को एक सी समानता दी गई है। कहाँ दिया साहब, हमारी भाषा और हमारा भेष देखकर लोग मजाक उड़ाते हैं। हम गौ मांस खाते हैं इसलिए सब हमें दुश्मन की नजर से देखते हैं। जिस तरह आपको हमारी कुरान की जानकारी है, उसी तरह हमें आपके पुराणों की जानकारी है साहब। तुम लोगों के मुताबिक जिहाद शब्द का मतलब मासूमों की जान लेना या अशांति फैलाना नहीं है, शांति का संदेश देना है। जहां मुसलमान चैन और अमन की जिंदगी जीते हैं वो एकमात्र देश है, ये भारत देश। मुसलमानों की कद्र करने वाला अगर कोई देश है तो यही भारत देश है। एक मुसलमान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इसी देश ने बनाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इतने दिनों से जिसके खातिर तुम लोग लड़ रहे हो, उस कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी एक मुस्लिम ही थी। ये बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं। ऐसे बच्चों को मजहब का वास्ता देकर, उनमें जिहाद का बीज बोकर, उनके उज्जवल भविष्य को बर्बाद करना सिखाता है क्या तुम्हारा ये मजहब? ऐसी दरिंदगी का काम करने से अल्लाह खुश हो जाएंगे क्या? रमजान के वक्त जरा सी भी थूक निकले बिना
पूरे ईमान से 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं हमारे मुसलमान भाई बहन। माँ बाप की कसम खाकर वो झूठ बेशक बोलते होंगे, लेकिन कुरान की कसम खाकर कोई भी मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलेगा। उस पाक कुरान की कसम खाकर तुम भी कहो जरा, अल्लाह ने इंसानों का कत्ल करने के लिए कहा है क्या? अल्लाह ने दुनिया में आतंक फैलाने के लिए कहा है क्या? मासूमों की जानें लेने के लिए कहा है क्या? हाँ बाजान, अम्मी की बात और मामू की बात बिल्कुल सही है। मैं इंडियन हूँ, यही पैदा हुआ हूँ, यही जीऊंगा और इसी देश में मरूंगा। इस देश के लिए अपनी जान भी दूंगा। मैं यही रहूंगा अब्बू, मैं जिहादी नहीं बनूंगा। साहब, दूसरों की बात सुनकर मुझसे गलती हो गई, पागल हूं मैं। पत्नी ने कुरान को समझा लेकिन मैं नहीं समझ पाया। हमारा अल्लाह बहुत बड़ा है साहब, बेटा जिहादी नहीं बनेगा। ये ना आप जैसा एक ईमानदार ऑफिसर बनेगा साहब, एक अच्छा इंसान बनेगा। मेरी गलतियों को बीवी माफ कर देगी पर कानून माफ नहीं करेगा साहब। मैंने गलती की है और मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए।